चिप्स का एक बैग लें और आपको शायद छोटे रंगीन सर्कल्स दिखाई देंगे। बाद में पैकेज पर कौन सा रंग इस्तेमाल किया जाएगा ये टेस्ट करने के लिए उन्हें मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाया जाता है। ऐसे सर्कल्स को कलर कंट्रोल पैचेस कहा जाता है। ये पैचेस ये तय करने में मदद करते हैं कि कोई पेंट और पैकेजिंग बर्बाद ना हो। अगर वे ठीक नहीं लगते हैं तो मैन्युफैक्चरर को पता चल जाएगा कि पूरे पैकेज का रंग भी ठीक नहीं दिखेगा। ये ब्लॉक्स प्रिंटर को रंग के सरप्लस या कमी का पता लगाने और प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में काम आते हैं। दूध के जग को अच्छी तरह से देखें। इसके किनारे पर अक्सर एक इन्वर्टेड सर्कल होता है। ये डिम्पल जग को ज्यादा रेजिस्टेंट बनाने और फर्श पर गिरने पर इसे फटने से बचाने के लिए होता है। जरूरत पड़ने पर ये डिम्पल लिक्विड को फैलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेस देता है। साथ ही जब एक्सपायर होने की तारीख पास आती है तो दूध में मौजूद माइक्रोब्स गैसेस पैदा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा गैसें अंदर फंस जाती हैं और इसीलिए जग में प्रेशर बढ़ता जाता है। शुक्र है डिम्पल की वजह से गैसेस एक्सपैंड कर पाती हैं, जिससे जग फटने से बच जाता है। लगभग हर बारकोड में नंबर्स की एक लंबी रो होती है। अगर किसी कारण से बारकोड स्कैन नहीं हो पाता है तो कैशियर इसकी बजाय उन्हें एंटर कर सकता है। ये नंबर आमतौर पर 12 डिजिट्स के होते हैं। पहला प्रोडक्ट के टाइप को बताता है, जैसे कि 2 का इस्तेमाल मीट जैसे वेटेड प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है और 3 का इस्तेमाल हेल्थ से जुड़े आइटम्स के लिए किया जाता है। अगले 5 डिजिट्स मैन्युफैक्चरर का कोड है। वे ये जानकारी देती हैं कि कौन सी कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है। अगली 5 डिजिट्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पहचान बताती हैं, जैसे सेब या संतरे। फाइनल डिजिट को चेक डिजिट कहा जाता है। ये डिजिट ये कंट्रोल करने के लिए है कि दूसरे सभी डिजिट्स को सही ढंग से दर्ज किया गया है। इस डिजिट को कैलकुलेट करने के लिए एक खास फॉर्मूला है और इसे हर प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर बारकोड गलत तरीके से टाइप किया गया है और आखिरी डिजिट उससे पहले टाइप किए गए डिजिट से मेल नहीं खाता है तो कंप्यूटर कैशियर को बता देगा कि वहां कोई गलती हुई है। फलों पर नंबर वाले स्टिकर भी होते हैं। असल में वे रैंडम नहीं होते हैं, वे बताते हैं कि फलों को कैसे उगाया गया था। 4 डिजिट के कोड का मतलब है कि फल पारंपरिक तरीके से उगाया गया था, जिसका मतलब है कि इसमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं। तो आपकी सबसे अच्छी पसंद 5 डिजिट वाला फल होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर नंबर 8 से शुरू होता है तो इसका मतलब है कि फल को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था। चुनने के लिए सबसे अच्छा फल वह है जिसमें 5 डिजिट का कोड होता है और जो 9 से शुरू होता है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। प्लास्टिक की बॉटल्स के नीचे आप अक्सर एक निशान के साथ एक ट्रायंगल देख सकते हैं, जिसके बीच में एक नंबर इंग्रेव्ड होता है। ये नंबर उस प्लास्टिक की टाइप बताता है जिसका इस्तेमाल बॉटल को बनाने के लिए किया गया है। ये कोड लोगो और लोकल रिसाइकलिंग सेंटर्स को रिटर्न को छांटने में मदद करता है। वे प्रोडक्ट्स जो टाइप 1 और टाइप 2 के प्लास्टिक से बने होते हैं उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। टाइप 3 प्लास्टिक को खिलौने और घरेलू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। दूसरी सभी तरह की प्लास्टिक को कभी कभी रिसाइकिल किया जा सकता है। कई बैकपैक्स में ये डायमंड होता है जिसके सामने 2 पैरेलल स्लिट होते हैं। आप इसमें पानी की बॉटल या जूते जैसी कोई चीज अटैच कर सकते हैं। ये खास तौर से तब बहुत हैंडी हो जाता है जब आप कहीं सफर या हाइकिंग करते हैं, तो आपको सभी सामान अपने हाथों में नहीं ले जाना पड़ता है। कुछ फुटपाथों पर छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं जिन पर बम्स होते हैं। हम आमतौर पर उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उन लोगों के लिए वे बहुत काम आती हैं जो देख नहीं सकते। इनमें से ज्यादातर प्लेट्स आपको एक ढलान के बारे में बताती हैं जो फिर एक क्रॉस वॉक की ओर जाती हैं। स्कूल ग्रेड्स के नाम बताएं, A, B, C, D और F। मैं F को जानता हूं, लेकिन यहां EQ नहीं है। मॉडर्न ग्रेडिंग सिस्टम 1897 से है। शुरुआत में इसमें A से E तक के सभी अक्षर शामिल थे। A का मतलब बढ़िया था और ये 95 से 100% के बराबर था। B का मतलब अच्छा था, जो 85 से 94% के बराबर था। C का मतलब ठीक था और ये 76 से 84% के बराबर था। D का मतलब पास था, ये 75% के बराबर था। और उसके नीचे E यानी फेल था। जल्द ही इसे बदल दिया गया। फेल के लिए F ज्यादा सही लग रहा था। E को आसानी से एक्सलेंट समझा जा सकता था, इसीलिए आजकल E यूज नहीं होता है। जीन्स में ये छोटी सी जेब होती है और आप जानते हैं कि ये क्यों होती है। ये पॉकेट्स तब से हैं जब पहली बार जीन्स बनाई गई थी, जिसे लेवाई स्ट्रॉस ने 1873 में बनाया था। ओरिजिनली जीन्स काउबॉयज के लिए बनाई गई थी और ये जेब खासतौर से पॉकेट वॉच के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा कई जिपर्स पर YKK अक्षर एनग्रेव्ड किए जाते हैं। वे योशिदा कोग्यू कबुशिकी गायशा के इनिशियल लेटर्स हैं। ये एक जापानीज कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी जिप मैन्युफैक्चरर है।
इसीलिए उनके द्वारा बनाई सभी जिपर्स पर कंपनी के इनिशियल्स बने होते हैं। ये अनुमान लगाया गया है कि दुनिया में बनने वाली सारी जिपर्स का आधा वो ही बनाते हैं, इसीलिए आपको उनके जिपर किसी भी दूसरे जिपर से ज्यादा देखने को मिलते हैं। आइए किताबों के खाली पन्नों पर चलते हैं, जिन्हें आप कई प्रिंटेड बुक्स के आखिर में देख सकते हैं। इन खाली पेजेस का नंबर आमतौर पर एक किताब के कुल पन्नों के नंबर पर निर्भर करता है। बात यह है कि ज्यादातर किताबें कागज की बड़ी शीट पर छपी होती हैं, जिन्हें सिग्नेचर कहा जाता है। इन सिग्नेचर्स में दोनों तरफ कई पेज छपे होते हैं, फिर किताब बनाने के लिए उन्हें कट किया जाता है। एक सिग्नेचर से चार पेज या कोई भी दूसरा नंबर हो सकता है जिसे चार से डिवाइड किया जा सकता है। तो एक किताब जिसमें कुल 300 पेजेस हैं, वो पूरी तरह से फिट होंगे और कोई खाली पन्ना नहीं बचेगा। लेकिन अगर किसी किताब में 303 पेजेस हैं, तो उसे एक और सिग्नेचर की जरूरत होगी। वो एक्स्ट्रा पेजेस खाली रहेंगे रीडर्स को ये बताने के लिए कि कोई इम्पोर्टेंट जानकारी छूटी नहीं है। इन पेजेस को अक्सर नोट्स या इस पेज को जानबूझकर खाली छोड़ा गया है के साथ मार्क किया जाता है। एक बास्केटबॉल के पूरे सरफेस पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ये खेल हाथों से खेला जाता है और ये जरूरी है कि बॉल खिलाड़ियों की उंगलियों से फिसले नहीं। किसी सरफेस के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, वहाँ उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होता है और इसके सरफेस से फिसलने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। एक समय था जब बास्केटबॉल को सॉकर बॉल से खेला जाता था और ये एक अच्छा आइडिया नहीं था। बास्केटबॉल कोर्ट का फ्लोर भी काफी फिसलन भरा होता है, इसीलिए इस पर खेलना लगभग नामुमकिन होता है। बॉल को कंट्रोल में रखने के लिए प्लेयर्स को बहुत सावधान रहना पड़ता था, इसीलिए बॉल को जल्द ही फिर से डिजाइन किया गया। इस पर कई डॉट्स दिए गए जो फिक्शन पॉइंट्स की तरह काम करते थे, तो डॉट्स इस तरह बने। बास्केटबॉल ऑरेंज होती है और इसका भी एक कारण है। 1891 में खेल के शुरू होने से लेकर 1950 के दशक तक बास्केटबॉल भूरे रंग की होती थी, लेकिन एक बार एक यूनिवर्सिटी टीम के कोच ने फैसला किया कि ऐसी बॉल को देखना खिलाड़ियों और फैंस दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए उन्होंने एक ज्यादा विजिबल बॉल बनाने के लिए एक कंपनी के साथ काम किया। उन्होंने इसे ऑरेंज बना दिया। 1958 में पहली बार एक ऑरेंज बास्केटबॉल का इस्तेमाल किया गया था और सभी को ये इतनी पसंद आई कि यही कलर रखने का फैसला लिया गया। रोबोट्स, मैं रोबोट नहीं हूँ, चेकबॉक्स पर क्लिक क्यों नहीं कर सकते? खैर, वे कर सकते हैं, लेकिन गूगल असल में जिस चीज में दिलचस्पी रखता है वह यह है कि कोई इसे कैसे करता है। अगर स्क्रीन के पीछे कोई इंसान है तो उन्हें बॉक्स पर क्लिक करने में कुछ समय लगेगा, साथ ही माउस मूवमेंट भी होंगे। एक रोबोट इसे अलग तरह से करता है। ये पहले पेज को डाउनलोड करता है और बॉक्स को बिना किसी मूवमेंट के प्रोग्रामेटिकली रूप से चेक करता है। ये अंतर गूगल को ये बता देता है कि आप इंसान हैं। W को डबल U क्यों कहा जाता है, ना कि डबल V? खैर, अंग्रेजी लैटिन पर बेस्ड है। लैटिन में कोई W नहीं था, इसके बजाय वहाँ एक U था जो बिल्कुल W की तरह साउंड करता था, लेकिन उसे केवल वोवल से पहले रखा जा सकता था, जैसे कि लैटिन में हॉर्स इक्कस है और सचमुच ये एक डबल यू है जो सुनने में हमारे W जैसा लगता है। बाद में लोगों ने UU को अलग करके लेटर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो उन्होंने UU को VV लिखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद लेटर्स को जोड़ दिया गया और W बना, लेकिन नाम वही पड़ गया। अगर आप अपनी जीन्स पर थोड़ा सा लिक्विड डालते हैं तो वे जगह बाकी फैब्रिक से ज्यादा डार्क हो जाएगी। असल में ये डार्क नहीं होती है, हम इसे बस इस तरह से देखते हैं। ये सब उस लाइट के कारण होता है जो मटेरियल से वापस बाउंस होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। अंधेरे में आप मुश्किल से कुछ भी देख सकते हैं क्योंकि वहाँ रोशनी नहीं होती है। ये जितना हल्का होता है और जितनी लाइट वापस बाउंस होती है, चीजें उतनी ही चमकदार दिखाई देती हैं। जब कोई चीज गीली होती है, भले ही उसे उतनी ही लाइट मिले, लेकिन उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है। कम लाइट वापस बाउंस होती है और वो चीज ज्यादा डार्क दिखाई देती है।